महाराष्ट्र की राजनीति में जाना माना नाम निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मेरे साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, शिवसेना के कई विधायक गुजरात शिफ्ट हो गए हैं, आप कैसे देख रही हैं, क्या क्या चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति? गुजरात मुझे लगता है बहुत सेफ लग रहा है, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूंगी कि अगर जो भी निर्णय विधायकों ने लिए हैं, 1/3 एक पार्टी के विधायक अगर छोड़ के पार्टी को कहीं जाते हैं और नॉट रीचेबल हो जाते हैं, तो ये बात को सभी महाविकास अघाड़ी के लोगों ने भी सोच विचार करना चाहिए कि हम किस मोड पे जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से कई बार मंत्रियों के मुख से उनके स्टेटमेंट आए हैं कि हमें उस तरीके का ट्रीटमेंट ये सरकार में नहीं मिला जा रहा है। शिवसेना के कई वरिष्ठ बुजुर्ग जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने भी कई बार यही कहा है कि हमें वो ट्रीटमेंट इनसे नहीं मिल रही है जो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ये जिन लोगों के साथ इतने साल थे उनका घर छोड़ के बेईमानी करके ये बाहर निकले हैं, तो कई लोगों को अपनी जो ट्रूथनेस है वो कहीं ना कहीं इनके साथ रह के वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो मुझे लगता है जो निर्णय उन्होंने लिया है ये उसी दिन स्पष्ट हो जाता है जिस दिन विधान परिषद के और राज्यसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। ऑपोजिशन पार्टी ने ये कहा था कि 5th कैंडिडेट को विधान परिषद में चमत्कार भी हो गया, कोई प्रकट भी हो गए, तो भी वो जीतने वाले नहीं हैं। अगर वो जीतते हैं तो ये चीज़ उस दिन ही उन्होंने सोचनी चाहिए थी, और हमने पहले ही कहा था कि मैक्सिमम वोट्स इनके फूटेंगे, 21 वोट अगर विधान परिषद में टूटते हैं एक पार्टी के, तो उन्होंने उसी दिन विचार करना चाहिए कि हमारी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। सोशल मीडिया पर लिखा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है उद्धव सरकार की, ऐसा क्यों लगता है आपको, और अगर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो ये कब तक खत्म हो जाएगी? मैं आपको इस बारे में इतना ही बोल सकती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ मैंने फ्लाइट में भी 11 बार किया। जब जब संकट आता है तब तब हनुमान चालीसा संकट मोचन याद आते हैं, और मैं हमेशा ही जब भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज मैंने 11 बार हनुमान चालीसा। संकट में आप नहीं, संकट में उद्धव ठाकरे हैं, और आज मंगलवार का दिन भी है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है मेरा महाराष्ट्र 2.5 साल से संकट में है। ऐसे मुख्यमंत्री जो डिस्ट्रिक्ट में, कोई डिस्ट्रिक्ट में जाते नहीं है, तो वो डिस्ट्रिक्ट संकट में है, मेरे किसान संकट में है, मेरे बेरोजगार युवक संकट में है, मेरे जिनके पास घर नहीं वो बेघर लोग संकट में, वो संकट जल्द से जल्द मुक्त हो, इसलिए संकट मोचन को याद किया गया। जी का आशीर्वाद क्या आपको और आपका जो आपके सहयोगी बीजेपी है उनको? मुझे लगता है कि संकट मोचन संकट दूर करेंगे इतना जरूरी, वो आशीर्वाद किसको होगा वो तो टाइम पे पता लगेगा। सवाल राणा जी, जो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के विधायक हैं गुजरात शिफ्ट हो गए हैं, आपके राजनीति में आप भी हैं, आपकी आपका कोई संपर्क हुआ है उनसे, कोई बातचीत हुई है क्या आगे? मुझे लगता है उनका स्वभाव, उनकी काम करने की शैली, उनका तरीका, ये बहुत सालों से महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, और इतने बार रिप्रेजेंट करते हुए आगे आए हैं, अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो आप सोच सकते हैं कि पार्टी किस मोड पे खड़ी है। उनका कैलिबर, उनकी कैपेसिटी, उनके काम करने की ताकत, ये सभी लोग महाराष्ट्र के जानते हैं, तो मुझे लगता है सब हालात पर उद्धव जी से कुछ कहेंगे? अब तो संकट मोचन जी को याद कर लो और हनुमान चालीसा का पाठ करो। ठीक है, तो नवनीत राणा हमला कर रही हैं उद्धव ठाकरे पर, निशाना साध रही हैं और कह रही हैं कि महाराष्ट्र जो है वो संकट से निकलने वाला है, इशारा यह है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने वाली है, क्या वाकई ऐसा होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।